बनाएगी ना, रुको घूम कर रहे तो नहीं करेगी घूम में तो जब अपना पर्स में डालेगी। सगुन जा रही है नानी के साथ, अपनी मुझे तो बहुत बेइज्जती टाइप का लग रहा है, पैर में कुछ भी नहीं है ना, कैसे दिखाए आप लोग को। ये पेड़ में देखिए कितना सारा पत्ता था और हम एक सप्ताह से बाहर नहीं निकले, देखिए सारा पत्ता चला गया है। अब फलेगा? मैं जिस जगह पे आई हूँ ना दोस्तों, जन्नत है, जन्नत जन्नत का नजारा आप सबको दिखा रही हूँ। इधर देखिए एकदम चारों तरफ कितना सुंदर वाला माहौल है, पूरा चारों तरफ एकदम व्हाइट व्हाइट है, ग्रीन की। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी साथ में वरदान है, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। यहाँ मैं बैठी हूँ ना, मेरा जान एकदम निकला जा रहा है, इधर आने दो। बहुत इतना एक्टिव है ना कि इसके वजह से ना मेरे को रूम में रहना पड़ता है। तभी हम लोग यहाँ बैठे ही थे, ब्लॉग एंड किए थे पिछली बार आप लोग देखे थे। तो आज है विश्वकर्मा पूजा, तो यहाँ पे अभी क्या ना काफी तेजी से हवा चल रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे सब कुछ हिल रहा उड़ रहा है, बाल बाल उड़ रहा है, तो मतलब जोर से हवा चल रहा है। मम्मी भी बैठी थी तो मम्मी चली गई नीचे, तो जा तुम लोग ना, जा जा नानी बोलो कि रोटी देगी, एक एक रोटी खा लो तुम लोग, खा दो, जाओ हाथ पैर धो लो साबुन से, लो ले जाओ, जाओ काम करो, सबसे पहले हाथ पैर ही धो लो बाथरूम में, जाओ कपड़ा वपड़ा खोल के जाओ, जाओ कैसे आराम से जाओ। तो ये लोग जा रहे हैं हाथ पैर धोएंगे और हम भी चलेंगे अभी यहाँ से, क्योंकि अभी फोन आया था जस्ट इसका फादर का, है ना। जब आप नाराज रहिएगा ना तो बहुत कुछ करेगा, वो भी करेगा जो आप नहीं भी चाहेंगे, ठीक है, सारी चीजें करेगा। मगर यही चीज अगर आप रोज करिए ना तो कहीं लड़ाई होगा, पति पत्नी बच्चों का ख्याल ही तो रखना है। ऐसा भी नहीं कभी पत्नी कहे तू मीनार जाइबो, दिल्ली जाइबो, पटना जाइबो, बुरेला, कुछ तो ऐसा नहीं बोलते हैं भैया, थोड़ा सा चढ़ते हो तो सबको ले जाना चाहिए खुशी खुशी से। अरे तो अभी फोन किया हमको तो बोला क्या कि हम आ रहे हैं, तैयार रहो घुमा देंगे, इधर छुट्टी हो गया है। तो हम हवा चल रहा था तो हम मना कर दी, थोड़ा भाव खाए बोले अपने जाएंगे, तो उसको कहा लगा कि हम गए हुए हैं बाहर, कहना वो तो पहले निकली हुई है ना, बोलो कहाँ पे आना है, हम वहीं पे आ जाएंगे। ऐसा कीचड़ हुआ दोस्तों, मेरी गाड़ी मेरा पैर कुछ साथ नहीं देगा, हम कैसे निकलेंगे बिना सर पैर का बात करते हैं। तो हम सोचे कि चलो चलते हैं भाई, अपने चक्कर में बाल बच्चा का हम खराब नहीं करते हैं, तो बोला तैयार हो जा और चलो कुछ कुछ बच्चा लोग को खिला देंगे बोला है, तो चलिए चलते हैं अभी तैयार व्यार होते हैं। अब मम्मी जाएगी कि नहीं भगवान जाने, क्योंकि मम्मी को तो ये सारी चीज़ों में टेंशन है, कपड़ा सूखा देंगे तो उठा के रखो सबको चेयर में, बाद में सुखा देंगे, है कि नहीं। और बाहर कैसे जाए घुड़ेला, मेरे पास देखिए जो सैंडल कहिए स्लीपर कहिए जो भी कहिए वो टूट गया उसी दिन, हम यहाँ पे गिर गए थे हुड़हा के एकदम गड्ढा में नीचे, तो हमको तो चोट नहीं लगा था मगर मेरा वही सैंडल टूट गया था। तो अभी लेते जाएंगे और बोलेंगे सिलवा दो, सो खुला होगा तब ना, आज वो भी दिक्कत है ना, तो बिना चप्पले का घूरेंगे आज। अभी यहाँ से मैं गई ही नहीं हूँ और ये लड़की कपड़ा पहन के आ गई है, क्या ही बोले, इसको हम बताया भी नहीं कौन सा पहनना है क्या पहना, खाना तो नहीं खाई होगी, जाएंगे खाने। तो फोन ले लो अपना, ब्लॉग बनाएगी ना, रुको घूम कर तो नहीं करेगी घूम में तो जब अपना पर्स में डालेगी। तो सगुन जा रही है नानी के साथ अपनी, हम तो बोले थे ध्यान रखिएगा फोन फोन का, आपका फोन नहीं है इसका फोन का ध्यान रखिए, डायरेक्ट ऐसे करना, फोन लेना चाहिए ना, अभी इसमें फोन तो लगेगा नहीं, ऐसे वीडियो बना लेना ठीक है। देखिए तालाब, देखिए तालाब, यही रास्ता बंद था, हैंकी है पापा पास, यही रास्ता बन रहा था जो भी कचरा कर दिया है सब। और हम लग रहे होंगे एकदम रापची, है ना लग रहे होंगे, मुंह में चश्मा है काला काला, 100 रुपया में खरीदे थे, आज मुहूर्त निकला है इसका, 15 अगस्त को लिए थे, अभी तक नहीं पहने थे। और का ही बोले, मेरा पैर में तो चप्पल नहीं है ठीक है, मेरा चप्पल टूट गया है, ये आदमी हमको ऐसे ही लेके जा रहा है और हमको इतना खराब लग रहा है ना कि क्या बोले।
क्योंकि किसी को पता है नहीं कि मेरे गोड़ में खाली चप्पल 100 पीस में रहता है। 100 पीस में ही सही, लेकिन रहता तो है ना भाई। बोला है कभी सिला देंगे, बोल के हम इसी तरह से जा रहे हैं। घर से थोड़ी दूर पे ही आए हैं, मतलब यहाँ पे सगुन के स्कूल के पास, जहाँ पे मैं बारिश में भीगती हूँ। तो यहाँ एक भैया हमेशा शूज बनाते हैं, तो इत्तेफाक से मिल गए तो मेरा सैंडल बना दे रहे हैं तुरंत तुरंत। मुझे तो बहुत बेइज्जती टाइप का लग रहा है, पैर में कुछ भी नहीं है ना, तो कैसे दिखाए आप लोग। ये पेड़ में देखिए कितना सारा पत्ता था, और हम एक सप्ताह से ही बाहर नहीं निकले, और देखिए सारा पत्ता चला गया है। अब फलेगा? हाँ अब फलेगा। कौन सी का पेड़ है भैया? ये सब्जी बनता है। अच्छा अभी तो मजा आया। गुलर? गुलर हाँ, गुलर का पेड़ है। देखिए ना कितना सुंदर था, एकदम पूरा माते थे, भरा भरा पेड़ पौधा रहता था एकदम। परेशान है हम लोग, और बाबू और परेशान करता है। उसका शूज नहीं है, वो स्लीपर पहन के आया है। कभी दाएं वाला स्लीपर गिरा रहा है, कभी बाएं वाला गिरा रहा है, और बहुत मुश्किल है ना कि गाड़ी सीधे सीधे में उठाना पड़ रहा है। हम बस स्लीपर कहीं, मेरा सैंडल कहीं वेट करे, हमको सैंडल मिले और हम पहन ले। बहुत अकबक लग रहा है, ऐसा लग रहा है नंगा नंगा बाहर निकल गए हैं। देख रहे हैं क्या बोले, सगुन तो चल गई लेकिन ई रह गए साथ में। अब खोपड़िया यही खराब करके रखते हैं एनी टाइम। एक सिल लिए भैया? एक हो चुका है, टूटा एक ही था, लेकिन दोनों सिलवा ले रहे क्योंकि फिर अच्छा दोनों खड़ी गया। अच्छा दोनों तरफ से पानी में भींग भींग के, क्योंकि इधर हम बहुत सारा क्लास वगैरह जब भी गए हैं तो मेरा चैनल वाला भीग ही गया है। पकड़ रहे हैं, पहले पूछ के कोई काम कराना चाहिए, बिना पूछे कराने से ना घाटा लग जाता है। मेरा 150 का तो चप्पल भी नहीं है, 150 उतना 60 रुपए सिलाई ले लिया, और उसमें भी मुंह बना रहा था। क्या बोले, 60 रुपए सिलाई देंगे तो और कुछ पैसा लगा के नया ही ले लेगा आदमी। आई आई बिना कहे पूछे चला जाएगा। यही अगर अभी हम बोलते खिला दो 10 रुपए का तो नहीं खिला। हमरा देखा देखी दुनिया में सब वही करता भैया, हमरा सब फॉलो इतना करता है। टीवी लगा लिया चश्मा, सदियों से चश्मा लगा रहा है। बस अब एगो कटोरी का जरूरत है इसको। देखिए पूरा अंधरा टाइप का ना लग, मेरा वाला थोड़ा यूनिक भी स्टाइल भी है। मैं जिस जगह पे आई हूँ ना दोस्तों, जन्नत है, जन्नत जन्नत का नज़ारा आप सबको दिखा रही हूँ। इधर देखिए एकदम चारों तरफ कितना सुंदर वाला माहौल है, तो पूरा चारों तरफ ग्रीन, एकदम वाइट वाइट है, ग्रीन ग्रीन है, और बहुत सुंदर लग रहा है। अभी बहुत मुश्किल से मैं अपना मोबाइल का कुछ स्पेस को फ्री किए ताकि हम रील्स वगैरह शूट करें, वीडियो वगैरह शूट करें, क्योंकि मेरे पास इतना समय ही नहीं बचता है कि मैं ना अपना वीडियो जो हो चुका है उसको हटा दूँ। अभी धोखा दिया रास्ते में, तो फिर अभी यहाँ बैठ के सब सही की हूँ। अब बाबू के लिए मैं बोली थी इसको कुछ खरीद दूँ ताकि रास्ते में हम लोग को डिस्टर्ब ना करें, मगर ये सुनता ही नहीं है मेरा बात। जब तक इसको हम 4-5 ताज़ा ताज़ा वो ना दे दे। घर की तरफ आ गए हैं, और क्या ही बोले, बादल तो छाए हैं, कम दिख रहा था मुझे, ज़्यादा दिख रहा है। मुझे लग रहा है ना कि अब एकदम बरस जाएगा, क्योंकि मैं चश्मा ही ऐसा पहनी हूँ ना, एकदम लग रहा बादल मेरे सर पे मंडरा रहा है। और इस आदमी को तो क्या ही बोले, अब कह रहा है क्या, अरे प्रीति का खाएगी रे? तब बोले चौमिन का बात हुआ है तो चौमिन में खाएंगे ना, तो का कह रहा है, अरे चिकन का कैसे खाएगी, आज तो वो दिन नहीं है। हम का बोले आदमी ना जान बूझ के ही बाहर लाता है ताकि एकदम सीधे सीधे बच जाए। रात हो गया, आते आते हम लोग तो उस रूम में कपड़ा वपड़ा सब चेंज किए, मम्मी भी, मम्मी और सगुन तो पहले आई थी, 5 मिनट पहले आई थी इन लोग, ज़्यादा नहीं। आते ही साथ मम्मी भात चढ़ा दी चावल कुकर में, क्योंकि हम लोग आज चावल नहीं खाए थे, रोटी खाए थे पूरा दिन, हम तो सिर्फ नाश्ता ही किए हैं सुबह ही, उसके बाद दोपहर में कुछ भी नहीं खाए। और चलिए अब हम जा रहे शाम का वीडियो एडिटिंग करने और अपलोड करने, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, है ना।
औरत ज्यादा मुंह फुलाता, औरत से भी ज्यादा। आई डोंट केयर।